उत्तराखंड से अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने अनिल चौहान को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारत के नवनियुक्त CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बधाई दी। आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड के गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं। वहीं इससे पहले भारतीय सेना के प्रथम CDS लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत थे। पूर्व CDC जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद 9 महीनों से देश का यह सैन्य पद खाली था, तो उसकी जिम्मेदारी अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमान संभाले हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट ने कहा कि यह अत्यंत खुशी की बात है कि उत्तराखंड राज्य से ही देश को दूसरे CDS मिले हैं। उन्होंने कहा वह सेना के दिनों से नवनियुक्त CDS से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने बताया कि वे अत्यंत योग्य और कार्यकुशल सैन्य अधिकारी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने उनके साथ कई ऑपरेशनल चुनौतियों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में काम किया है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल सिंह जब सेना में कश्मीर में कोर कमांडर थे, तब उस समय लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बारामूला में JOC के पद पर तैनात थे। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि वह अपनी कार्यकुशलता, अनुभव और सामरिक दूरदृष्टि से अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट।